जय हिंद दोस्तों। पुणे सातारा बेंगलोर ये महाराष्ट्र का प्रमुख हाईवे है और यहाँ एक घाट है, आपको बताऊँ इसका नाम खंबाट की घाट है और ये घाट अभी स्टार्ट हुआ है। यहाँ से जो गाड़ियाँ देख सकते हैं आप, घाट की सिचुएशन अभी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये घाट अगले 6 महीने के बाद हमेशा के लिए स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसी बात है। एक गाड़ी खड़ी है यहाँ पर साइड लग, ड्राइवर लगाए पाइजे बोगा देख सकते हैं आप, ये बारामती पासिंग गाड़ी है। इतर कदा हूँ तेला और ये टाटा की 11099, इसका ड्राइवर देखिए आप, गाड़ी लगा के यहाँ से ट्रैफिक मैच कर, बहुत बड़ा ट्रैफिक है इस घाट से। ये ऑटो का काम कर रहा है ड्राइवर, तो उनकी जो तकलीफ है वो जानने की कोशिश करेंगे हम, उनको कुछ हेल्प चाहिए तो देने की कोशिश करेंगे, ऐसी बात है। ये ट्रैफिक की वजह से मैं नीचे भीतर घुस नहीं सकता हूँ, जैसे ही थोड़ी लेन खुली हो जाएंगी। और दूसरी बात, आज संडे है, संडे की वजह से ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है। मुंबई के पुणे के लोग बहुत सारी जगहों पे जाते हैं। देख सकते हैं आप ट्रैफिक को, बारामती पासिंगची गाडी म्हणून थांबलो, काय अडचण आली का? अरे बापरे, मला वाटलं डिझेल बिझेल असतं आमच्यावर, मोटरसायकल होती मग आणलं असतं। इंजिन का पेट्रोलला फोन केला का? मालक आहेत ना, चालते जाऊ, चलो गो मग। मला काय वाटलं आमच्या भागातली गाडी आहे म्हणून। हे इंजिन काम निघालं, इंजिन ही झालंय सकते आप। फिर से अभी बैठे जाने के लिए, बात ये है कि ये गाड़ी है मैं 42 से बारामती पासिंग गाड़ी है और ड्राइवर भाई साहब से मैंने पूछा, गाड़ी का इंजन फेल हो गया है और उनके साथ जो आदमी थे दूसरे वो पेट्रोल लाने के लिए गए यहाँ से 2 किलोमीटर, ऐसी बात है। तो इस घाट को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप ये बहुत बड़ा पहाड़ जो देख रहे हैं, देखिए शायद ये ही चिरके इसके बीच में बगल से ये घाट निकलता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये घाट अभी 6 या 7 महीने के बाद हमेशा के लिए बंद होने वाला है क्योंकि माननीय नितिन गडकरी जी ने एक सुरंग बनाई है अंदर से, देखिए 800 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत आई इस प्रोजेक्ट में, तो वो भी आपको दिखाएंगे। सीधा पहाड़ को चीर कर बीच में से गाड़ियाँ सब निकल जाएंगी सुरंग बनने के बाद, तो ये घाट अभी कुछ ही दिनों का मेहमान है, ऐसी बात है। तो इस घाट को अच्छी तरह से एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।